ये मान लो एम एन है, ये पी है। पहली ये एक ऑब्जेक्ट है, एक रे गई और वो फोकस से पास की, ये रे कौन सी है? पैरा एक्सियल रेज, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और क्लोज है, और दूसरी रे जो है हमने फोकस से भेजी तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाती है। ये दो रे हो गई, ये इमेज बन गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, एम एन किसके बराबर होगा? ए बी के। और जो ये इमेज है ना, ए डैश बी डैश, वो इसके बराबर भी होगा, मतलब ये जो दूरी होगी वो, इसको लिख सकते हैं आप डी, और इसको ई लिख लो, है ना। सर लेकिन तो क्या बोलते हैं वो पी ही लेंगे बेसिकली। हाँ बेसिकली ये एन हो या ई हो, ये पी ही लेंगे बिल्कुल। अब एक चीज़ देखो, पहले सपोज ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो इसमें टेन टेन अल्फा कितना होगा? टेन अल्फा अगर मान लीजिए हमें ये छोटेस्ट एंगल में लेना रहे तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन हाँ बी एफ, ए बी अपॉन बी एफ। और इस वाले एंगल में अगर लेना रहे तो टेन अल्फा क्या होगा इस वाले एंगल में? तो ये हम ले सकते हैं, ये क्या चीज़ है हमारा, हाँ ये डी है, ये डी ई, डी ई अपॉन क्या चीज लेंगे, एफ ई ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एफ ई। तो डी ई जो है, जो डी ई है वो इक्वल है ए डैश बी डैश के, है ना। और जो एफ ई है उसको एफ पी लिखेंगे, क्योंकि बोलेंगे ये पॉइंट बहुत क्लोज है। तो इस तरह ए डैश बी डैश एक ये और एक ए, इनका रेशियो क्या होगा? इसको आप यहाँ ले आइए, उसको उधर ले जाइए, ए डैश बी डैश अपॉन ये हो जाएगा एफ पी अपॉन बी एफ, इसको लिख दिया। हाँ मतलब इसको नीचे ले आए, उसको उसको वहीं रह दिए, इसको यहाँ नीचे ले आए, इसको उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई समझो, ट्रांसपोज कर दिया। अब ये रहा इस वाले ट्राइंगल, अब इस वाले में आओ एंगल में, ये सपोज करो ये बीटा एंगल है, ये भी बीटा होगा, सीधी लाइन है ना एकदम, ये तो टैन बीटा क्या होगा? टैन बीटा जो है इसमें एम एन अपॉन एफ एन ना, एम एन को लिखेंगे हम ए बी और एफ एन को लिखेंगे एफ पी। अब आता है इस बीटा वाला, तो वो टेन बीटा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन, इस टेन बीटा कितना होगा इसमें, ये लेंथ अपॉन बी डैश एफ एफ। इसमें भी इसका रेशियो लेंगे हम ए डैश बी, इसको नीचे ले आए, ए बी इसको यहाँ ले आए, इसको उधर लेकर गए, बी डैश एफ अपॉन एफ पी। ये क्वेश्चन नंबर टू। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ये वन और टू जो, ये दो इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम ही हैं, तो राइट हैंड साइड इक्वल करो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दोनों में कितनी वैल्यू लिखी है, एफ पी अपॉन बी एफ इक्वल टू दूसरे वाले में एफ डैश एफ अपॉन एफ पी, इस रेशियो को इक्वेट करने जा रहे हैं। एफ पी जो है ये है, ठीक है, सारी दूरी पी से निकालेंगे तो एफ पी रहने दो, अपॉन बी एफ, बी एफ, बी एफ जो है उसको हम वो लिखेंगे, बी एफ को लिखेंगे बी पी माइनस, बी एफ कितना लिखेंगे, बी एफ को बी पी माइनस एफ पी इक्वल टू बी डैश, बी डैश एफ को क्या लिखेंगे, बी पी माइनस, हाँ बी एफ को लिखेंगे बी डैश पी माइनस पी एफ, है ना, अपॉन पी एफ। ये अब एक चीज़ देखो, ये तो लिख लिया, अब एक चीज़ देखो, साइन कन्वेंशन से
ये बी से पी की दूरी यानी बी पी बराबर माइनस यू होगा और बी डैश पी बराबर माइनस वी होगा और एफ पी बराबर माइनस एफ होगा, क्योंकि सब जैसे रे इधर जा रही है ना, रे तो राइट डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। तो ये ओरिजिन हो गया पोल, यहीं से दूरी नापी जाएगी, ये पॉजिटिव साइड है, इधर निगेटिव साइड है, तो जो चीज़ें इधर हैं वो निगेटिव रहेंगी, है ना। अब वो चीज़ें यहाँ पुट करना है इस जगह पे, तो एफ पी को लिखना है माइनस एफ और बी पी को माइनस यू, माइनस एफ इसको लिखना है माइनस वी, माइनस एफ, माइनस एफ। हाँ बी डैश पी, ये पी क्या है, बी डैश पी ये इमेज, इमेज की दूरी है ना, इमेज डिस्टेंस है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस एफ नीचे हो जाएगा एफ माइनस यू, एफ माइनस वी, माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एफ स्क्वायर बराबर एफ माइनस यू, एफ माइनस वी, एफ स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर माइनस एफ वी, माइनस एफ वी, माइनस एफ यू प्लस यू वी। ये देखो इससे कट गया और माइनस वाले टर्म इधर ले आओ, एफ वी एफ यू इक्वल टू यू वी। अब इसमें जान तो क्या करना है, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई यू वी एफ, इसे डिवाइड करो दोनों तरफ, तो एफ वी अपॉन यू वी एफ, एफ यू अपॉन यू वी एफ, यू वी अपॉन एफ यू वी। तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई यू वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ, ये प्रूफ हो गया। ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मिरर फार्मूला, ये है फार्मूला, क्या हुआ, ताकि इस फॉर्म में आ जाए और कोई बात नहीं। अब देखो लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन माने एम, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऊपर की साइड रहेगी वो पॉजिटिव होता है, जो नीचे रहता है वो निगेटिव रहता है। तो ये बताओ इमेज जो नीचे है, तो एच आई जो है ये हो गया माइनस ए डैश बी डैश, क्योंकि नीचे है तो माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये हो गया क्योंकि नीचे। ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से आप देख के बताओ, यहाँ से देख के बताओ क्या है, ए डैश बी डैश की वैल्यू है एफ पी अपॉन बी एफ और एफ पी अपॉन, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए माइनस ए डैश बी डैश की वैल्यू है एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी, ये है माइनस एफ और ये क्या है माइनस यू माइनस माइनस एफ, एफ एफ माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन का एक ये फार्मूला हो गया, और इसको अभी हम आगे एक जो फार्मूला हम लोग के पास आया है वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ, इसमें एफ की वैल्यू रख देंगे हम, तो ये इसको प्रूफ हम लोग कर देंगे कि ये जो आएगा माइनस वी बाई यू हो जाएगा। अब कैसे आएगा देखो, वो भी कर ही देते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ से डिवाइड करो ऊपर नीचे यू बाई एफ, वन माइनस यू और वन बाई एफ को रख दो, ये वन बाई यू प्लस वन बाई वी कितना हो जाएगा, ये वन माइनस इसको ब्रैकेट खोलो वन प्लस यू बाई वी, ये खोलोगे ब्रैकेट कट जाएगा, ये माइनस इसके साथ लग गया माइनस वी बाई यू। तो एक फार्मूला दो हम लोग मैग्निफिकेशन का दो यूज़ करेंगे, एक माइनस वी बाई यू है ही और एक एफ एफ माइनस यू, ये दो फार्मूले हैं मिरर के लिए।